नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 111 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे 35 और ऋषभ पंत 2 रन पर क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा। साउदी, बोल्ट और जैमिसन की तिकड़ी ने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि पृथ्वी शॉ ने शुरुआत में 2 चौके तो जरूरत लगाए, लेकिन वो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। वो तेज गेंदबाज टिम साउदी की गेंद पर 16 के निजी स्कोर पर बोल्ड हुए। शॉ के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा के पास भी न्यूजीलैंड के कसी गेंदबाजी का जवाब नहीं था। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल के साथ 19 रनों की साझेदारी की और 42 गेंदों का सामना करके 11 रन बनाकर जैमिसन का शिकार बने। पुजारा के बाद कप्तान कोहली मैदान पर उतरे। हर बार की तरह इस बार भी कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने फैंस को निराश किया और महज 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। कोहली के आउट होने के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 40 रन पर 3 विकेट हो गया। विदेशी सरजमी पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने इसके बाद चौथे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल के साथ 48 रनों की साझेदारी की। मयंक अग्रवाल 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर उनका कैच काइल जैमिसन ने लिया। बता दें कि हनुमा विहारी भी कुछ खास नहीं कर पाए और 7 रन बनाकर आउट हो गए। हनुमा विहारी को काइल जैमिसन ने विकेट कीपर बीजे वॉडलिंग के हाथों कैच आउट करा दिया।